हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th सीबीएसई मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a है वो 2 है, b है वो 1 है और c है वो माइनस 300 है। ओके, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे x वेरिएबल है, देन उसका जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 होता है, देन मिडल एक्स एंड देन कांस्टेंट। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे जो पहले हाईएस्ट पावर होती है, फॉर एग्जांपल ax², देन उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर बी एक्स एंड लास्ट में सी इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम में दिया जाता है 3x प्लस 5x² इज इक्वल टू 100। देन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले हम x² की टर्म लेंगे, 5x², उसके बाद x की यानी 3x, और 100 है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड को लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -100 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अभी कुछ हमें सम्स दिए हुए हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट में जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल एंड बोथ ऑन देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, देखते हैं क्या किया है उन्होंने। उन्होंने जॉन का जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो कंसिडर किया है एक्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि दोनों के पास 45 है, तो जॉन के पास एक्स है तो उसको निकालना पड़ेगा जीवंती से, तो सम 45 आएगा। तो जीवंती का मार्बल्स हो गए 45 माइनस एक। आगे उन्होंने क्या बताया? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, ये दोनों भी दोनों के भी पांच पांच मार्बल्स थे वो गुम हो गए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज नाउ 124। तो जॉन के जब 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं तो उसका मार्बल्स कितने बचेंगे? एक्स माइनस 5। और जीवंती के पहले क्या है? 45 माइनस एक्स है, उसमें से 5 निकाल दिए जाएंगे तो क्या होगा? 40 माइनस एक्स। गॉट इट? देन उसका प्रोडक्ट बनाया उन्होंने, प्रोडक्ट क्या होगा फिर? एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस
एक्स इज इक्वल टू 124, राइट? यही होगा, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिर प्रोडक्ट बनाए वो है 124। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हर एक टर्म को दूसरे ब्रैकेट के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स इंटू 40, 40x, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ तो समझ में आएगा क्या है। हम एक्स माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स। ओके, तो एक्स को मैं सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो एक्स इंटू 40, 40x, देन एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 कितना होगा, 200। और यहाँ पे भी 5 को माइनस है, यहाँ पे भी एक्स को माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वो बन जाएगा 5x। समझ में आ गया? देन हम 40x और 5x उनको एडिशन कर देंगे, तो वो बन जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। तो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वो पहले आएगा, उसके बाद एक्स की टर्म, उसके बाद कांस्टेंट। ओके, और इसका प्रोडक्ट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में ही, 124 है गिवन। तो 124 तो राइट साइड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और 124 वो आ जाएगा, तो 124 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस 200 एंड माइनस 124, तो वो बन जाएगा माइनस 324। और यहाँ पे माइनस माइनस ज़्यादा ये, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, माइनस वन से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड को कर देंगे तो राइट साइड को भी करना पड़ेगा, बट जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, एक्स का माइनस साइन चला जाएगा, वो बन जाएगा प्लस। 45 प्लस है, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 324 बन जाएगा प्लस। समझ में आ गया? तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा इक्वेशन आपको होमवर्क के लिए है, ऑलरेडी उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है वो। उसके बाद कुछ उन्होंने इक्वेशन दिए हैं, और हमें क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं उसको हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें एक ही वेरिएबल है क्या, देन उसके बाद उसका हाईएस्ट पावर 2 है क्या। ओके, तो देखते हैं, एक इक्वेशन पहला ही देखते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, क्या है, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। तो पहले एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसे। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे ए है एक्स और बी है 2, तो 2x इंटू 2, तो 2 टू द 4 एंड एक्स। ओके, देन बी है 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, देन प्लस 1, देन जो इंटीजर्स इंटीजर्स है उनको एडिशन कर देंगे उनकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, देन क्या किया है, उसका राइट साइड में वैल्यू दिया है उन्होंने, क्या दिया है,
2x माइनस 3, तो अभी 2x माइनस 3 हम उस साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो इसका तो बन गया है ये वाला, तो उसको रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट साइड में, क्या बन गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5, भी राइट साइड क्या है? 2x-3। अभी क्या करेंगे, और राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 एज इट इज, देन माइनस 2x-3 उधर गया, तो वो हो जाएगा प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है साइन में, हम जब अपोजिट साइड को वो नंबर लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो गया तो माइनस, माइनस हो गया तो प्लस। अभी क्या कर देंगे, एक्स एक्स का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्या है? -4x-2x, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज, -4 एंड -2x, वो बन जाएगा 6x, देन 5+3 कितना? 8 = 0। तो ये हो गया आंसर। अभी इसको एनालाइज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax2+bx+c। तो इसमें है एक वेरिएबल है, उसका एस पावर 2 है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो और जो एग्जांपल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। तो उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, x+1(2x-3), तो इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। वन नोट ओपन करते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारा वन वन नोट, और क्वेश्चन क्या है, x+1(2), यहाँ पे हम सॉल्व करते इसको, x+1(2) और राइट साइड में इज इक्वल टू 2x-3, 2(x-3). चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? तो पहले x+1(2), तो उसको a+b(2) का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है? ए स्क्वायर, ए यहाँ पे एक्स है, x² + 2ab, सो 2 × x × 1 मतलब हो गया 2x+1 = 2x, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x एंड 2 × 3, देखो साइन माइनस है। ओके, देन जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड को ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड एज इट इज, -2x+6, स्क्वायर 2x-2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन 1+6 वो हो जाएगा 7 = 0। तो आप मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² एक्स की टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0x+7 = 0, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। ओके चलो फिर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे और 7 क्वेश्चंस है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ गई तो नेक्स्ट क्लास में हमें पूछ सकते हैं। देन उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसे भी मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसके बाद उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाता है। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग मेथड से पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है, तो कैसे करते हैं हम देखेंगे। डायरेक्टली हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज में से, तो समझ में आ जाएगा। ओके तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस 4.2, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहला इक्वेशन आज सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वेयर -3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, एक्स स्क्वेयर -3x - 10 -3x - 10 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसमें ऐसे दो नंबर हमें ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आता है -10 और जिनका एडिशन आता है -3। मल्टीप्लिकेशन माइनस मतलब ये लास्ट की टर्म, और एडिशन मतलब जो मिडिल टर्म। ओके तो कौन से दो नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं -5 और, तो इनका एडिशन क्या आएगा, -5 + 2 आएगा -3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -10। ओके तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ -3x की जगह यहाँ पे बीच में, तो देयर फोर x² - 5x - + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि -3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, -3x + 2x। ओके तो यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप। तो पहले ग्रुप में से मैं x बाहर निकालूंगा, ब्रैकेट में रहेगा x - 5, राइट। तो दूसरे में से मैं 2 कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट में रहेगा x - 5। तो पहले ब्रैकेट में आएगा वही सेकंड ब्रैकेट में आएगा। अभी ये x - 5 मैं एक ब्रैकेट में लेता हूँ कॉमन, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 2। समझ में आ रहा है, क्या किया मैंने, x - 5 को जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 2। देयरफॉर x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। अभी जो इंटीजर है वो मैं राइट साइड को ले लूंगा क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। सो एक्स इज इक्वल टू -5 राइट साइड में गया +5, और +2 राइट साइड में गया वो बन जाएगा माइनस। तो ये मिल गया हमें एक्स के दो रूट्स। ओके और लास्ट में लिख सकते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको लिखेंगे हम राउंड ब्रैकेट में -5, -2 लाइक दिस। ओके तो देन नेक्स्ट सेकेंड एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे।
बाकी आप होमवर्क को कर सकते हैं। ओके, क्या है 2x2 प्लस एक्स माइनस सिक्स। चलो 1 नोट पे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2x2 प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे एक ए में भी वैल्यू है 2, तो हमें क्या करना होगा फैक्टर्स निकालने के लिए? उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, ए की और सी की। 2 × −6 तो ये हो गया −12। तो हमें अब क्या चाहिए? दो नंबर्स उनका मल्टीप्लिकेशन है वो −12 और उनकी एडिशन है वो 1 होनी चाहिए। तो इजी है, 4 एंड −3 प्लस 4 एंड −3, इनकी एडिशन क्या होगी? 4 − 3 1 और मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 = 12 और 3 को माइनस है इसलिए −12। आसान है, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयर फोर 2x² प्लस 4x −3x − 6 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया? एक्स की जगह सिर्फ 3x और 4x − 3x पुट कर दिया, तो फैक्टर्स मिले हमको। अभी दो दो का ग्रुप करके उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो पहले ब्रैकेट से क्या निकलेगा? 2x, तो ब्रैकेट में रहेगा x + 2। दूसरे ब्रैकेट में से −3 निकाला तो x + 2 इज इक्वल टू 0। तो कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे 6 को माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। सो यहाँ पे x + 2 जो पहले ब्रैकेट में होता है वही आता है सेकंड ब्रैकेट में, अलग आ रहा है तो कुछ तो मिस्टेक हुई है। ओके, तो x + 2 हम कॉमन निकाले थे, दोनों में भी कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x − 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी उसको सेपरेट करते हैं, आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x − 3 इज इक्वल टू 0। अभी राइट साइड को ले जाते हैं जो इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू −2 और 2x इज इक्वल टू 3। अभी इसका x का तो मिल गया, x इज इक्वल टू −2। अभी दूसरा यहाँ पे 2x है, तो 2x हम राइट साइड को ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इससे वो डिवाइड होगा, माइनस नहीं होगा, तो t/2। तो ये हो गया सेकेंड वैल्यू, तो ये रूट्स मिल गया हमको, पहला और दूसरा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं पहले लेक्चर को, होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो CBSE के ऑफलाइन क्लासेस भी मगरपट्टा सिटी पुणे में हो रहे हैं, तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।